हेलो गाइस, आज मैं इस वीडियो में आपको HP 14S एंड 15S के टॉप 5 फीचर्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको एक स्पेसिफिकेशन चार्ट दे देता हूं, आप इसे देख लीजिए, क्योंकि वैसे इसमें जो जितने भी डिटेल लिखे मैंने अच्छे से लिख दिए ताकि आपको कुछ ज़्यादा कुछ इधर उधर किसी दूसरे साइट पर जाके ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। और इस चार्ट को मैं पढ़ के आपको इसी को जो लिखा है उसी को पढ़ के आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। हम बात करेंगे इसके सिर्फ टॉप 5 फीचर्स की, जो कि आपको शायद किसी को पता होंगे और किसी को नहीं भी। तो बात करते हैं पहले टॉप 5 फीचर की। जो इसका पहला टॉप 5 फीचर है वो है इसका वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होना। जी हाँ, क्योंकि जिस प्राइस में ये लैपटॉप मिलते हैं वो बहुत अच्छा प्राइस है, क्योंकि ये HP के एंट्री लेवल प्रोडक्ट है। यदि आप Ryzen 3 या i5 लेते हो तो 40,000 से 45,000 के आसपास में आपको ये प्रोसेसर मिल जाता है, और यदि आप Ryzen 5 या i5 लेना चाहते हैं तो 50,000 से 58,000 के बीच आपको प्राइस मिल जाएगा। तो ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट तो बिल्कुल हुआ। दूसरा इसका जो टॉप 5 फीचर है वो है इसका वेट। यदि आप 14 इंच का लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आपको मिलता है 1.47 kg वेट, और यदि इसका आप 15.6 वेरिएंट वाला लेना चाहते हैं तो उसमें मिलता है 1.69 kg वेट। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा साइज सूटेबल लगता है। यदि आपको ट्रैवलिंग वगैरह है, ज़्यादा कैरी करना होता है, तो आप 14 इंच में जा सकते हैं। यदि आपको टैली वगैरह पे बिलिंग का काम है तो आप 15 इंच का बड़ी डिस्प्ले के साथ जा सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तीसरा इसका टॉप 5 फीचर्स है वो है इसका अप टू 9 hours 15 minutes का बैटरी बैकअप। जी हाँ, कंपनी HP जो बोलती है वो बोलती है इसमें आपको अप टू 9 hours 15 minutes का बैटरी बैकअप मिलता है, और मिलता भी है। बट लेकिन हम फिर भी हम इस ये कई पैरामीटर्स पे चेक करती है कंपनियां, लेकिन हम अपने पर्सनल यूज़ के हिसाब से बात करते हैं तो हम 1.5-2 घंटे 2.5 घंटे यदि हटा भी दें तो भी इसमें 6-7 घंटे का बैकअप कहीं नहीं गया। और जी हाँ, इसका बैटरी बैकअप अदर ब्रांड से बहुत बढ़िया है। मैंने फिजिकली इस लैपटॉप को चलाया है, यकीन मानिए, यदि आप में से किसी ने यूज़ किया होगा तो बिल्कुल आपको भी पता होगा। और इसके बैटरी में एक और ख़ास बात है, इसकी जो बैटरी की जो लाइफ है वो 1000 साइकिल है, यानी आप इसे 1000 बार आप इसको चार्ज डिस्चार्ज कर सकते हैं। यानी आप समझ सकते हो कि यानी आप एक दिन बीच लगा के भी इस लैपटॉप को चार्ज कर रहे हो, तो यानी ये 5 से 6 साल तो इसकी बैटरी आराम से टिकी रहेगी, और उसके बाद भी कईयों की बैटरी तो टिकी है और प्रॉब्लम नहीं आती। 3 साल की इसमें बैटरी आती है, बाकी जो मैंने चार्ट आपको दिखाया था उसमें स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है, आप तरीके से जाके या उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आपको डिटेल मिल जाएगी। आगे की बात करते हैं, आगे आपको जो इसका फोर्थ टॉप 5 फीचर्स है वो है साउंड, ड्यूल एरे माइक और इसका वेब कैमरा। हाँ जी, आप यदि आप सोशल मीडिया पर या कहीं भी किसी भी साइट पर आप इस लैपटॉप के बारे में जानकारी लेते हैं तो आपको बस मिल जाता है कि हाँ जी, इसमें ड्यूल स्पीकर है, ड्यूल एरे माइक है। लेकिन यदि सच बताऊं, यदि आपको फिजिकली इस चीज़ के बारे में जानना है कि इस लैपटॉप में ये चीज़ कितनी खास है जो अदर ब्रांड से डिफरेंस बनाती है, तो दिखाता हूं, क्योंकि आपका 14S ये रहा मेरे हाथ में। ये देखिए, ये वो लैपटॉप है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, ये है 14S, और सेम लुक में आपका 15S भी आता है। आपको मैं कैमरा दिखाता हूँ, ये देखो ये कैमरा है, ये देख रहे हो। अब स्क्रीन पे जो भी आपको चीज़ दिख रहा है ना, वो इसके कैमरे का ही दिख रहा है। ये देखो, समझ सकते हो, बिल्कुल शार्प आपका इसमें वीडियो कैमरा दिया हुआ है। और यदि मैं इसके साउंड की बात करूं तो वो भी बहुत तेज़ है। यदि मैं आपको एक सॉन्ग सुना देता हूं, ये देखो, शायद मेरे माइक से पता नहीं कितनी आवाज जाए, भगाता हूँ। ओ
और हम इसके अब आखिरी फीचर्स की बात करें, जो कि आखिरी टॉप 5 फीचर्स है ये इसका है, वो फुल HD डिस्प्ले। हाँ जी, जो इसका जो डिस्प्ले है वो 1920x1080 रेजोल्यूशन के साथ आता है, और जो कि बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ साथ इसमें जो आपको निट्स दी हुई है ब्राइटनेस, वो 250 निट्स है, तो यानी आपको जो रेजोल्यूशन है, ब्राइटनेस है, वो भी बहुत अच्छा मिलेगा इसमें। और PPI में भी कई लोग पूछ लेते हैं कि कितने PPI की स्क्रीन है, तो ये 157 PPI की स्क्रीन है। तो स्क्रीन नो डाउट ब्राइट व्यू डिस्प्ले के साथ है, तो आप इसके डिस्प्ले से तो तुरंत खुश हो जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की। यदि आप बिल्ड क्वालिटी की बात करो तो देखो, ऊपर आपको HP का लोगो मिल जाएगा और काफ़ी स्लिक डिज़ाइन है। आप देख रहे हैं कितना स्लिम डिज़ाइन है। यदि मैं अपना ऐसे फिंगर लगाऊँ तो आप देख लो, पूरी एक फिंगर के ही बराबर मान लीजिए इसका, ये इसका जो डिज़ाइन है स्लिम डिज़ाइन है। पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसमें देखो, इस तरफ आपको इसमें चार्जिंग जैक है, फिर इसका आपको यहाँ पर HDMI पोर्ट है, TV प्रोजेक्टर के लिए 2 USB पोर्ट है, एक Type-C पोर्ट है, और ये आपका है ऑडियो जैक। और ठीक इसके दूसरी तरफ बात करते हैं तो यहाँ आपको माइक्रो SD कार्ड आपको ऑप्शन मिल जाता है, मिनी माइक्रो जो कि मोबाइल में लगता है। तो ये इसके पोर्ट्स हो गए। अब बिल्ड क्वालिटी में आपको लग रहा होगा कि कहीं ये मेटल बॉडी तो नहीं है, कई लोग इसको मेटल बोल देते हैं, मेटल है नहीं है, ये आपका फाइबर बॉडी है, ओके, जो कि आपको एल्युमिनियम फिनिश में दिखाया गया है। जी हाँ, ये आपको जो ये फाइबर है, ठीक है। और दूसरी चीज़ इसके अंदर जो कीबोर्ड है, वो कीबोर्ड आपको सेम इसी आपको कलर में दिया गया, जिससे आपको लुक बहुत बेहतरीन आपको दिखाई दे रही है। इसका आप बेजल देखोगे तो ध्यान से देखिए, इसका बेजल आपको वेब कैमरे के ऊपर हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा और फिर वापस स्ट्रेट है। तो ये इसका डिज़ाइन है, कईयों को ये पसंद आता है, कईयों को नहीं, तो इससे कोई मैटर नहीं करता। डिस्प्ले इसकी फुल HD है। और इसके अंदर जो स्पीकर दिए हुए हैं, ये देखिए स्पीकर, इसमें आपको फ्रंट फेसिंग स्पीकर दिए हुए हैं, तो इसलिए इसकी साउंड बहुत अच्छी क्वालिटी में आती है। और जो हिंचेज हैं वो भी सिलेंडर हिंच दिए हुए हैं, सिलेंडर हिंच, जिससे आपको जब ये आप इस तरह बंद आप ओपन बंद करेंगे, जो आपको ओपन एंड क्लोज, तो आपको ये हिंच में ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये तो हो गई इसकी आपको बिल्ड क्वालिटी के बारे में, पोर्ट्स भी आपको मैंने बता दिया। तो ये इसका फुल डेमो था मेरी तरफ से। तो जी, गुड़गांव वासे के लिए मैं बता देता हूँ, यदि आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो MG रोड पर ही द प्लाजा मॉल है, इफ्को चौक के पास, वहाँ HP एक्सक्लूसिव स्टोर है ग्राउंड फ्लोर पे ही, वहाँ जाके आप इस लैपटॉप को परचेस कर सकते हैं, बहुत अच्छे प्राइस है। मैं डिस्क्रिप्शन में मैं आपको इसके एड्रेस लिंक शेयर कर दूँगा। बाकी यदि कोई भी और जानकारी चाहिए हो, मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, और मेरे इस कोशिश से आपको कुछ भी चीज़ यदि आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कोई भी और जानकारी चाहिए हो मुझे बता दीजिए। बाय बाय।